हमें इनको डिफाइन करना है, और इनको डिफाइन करने के लिए पहले हम लोग एक नंबर सिस्टम को जान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं नंबर्स, नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है, एक रियल नंबर और एक नॉन रियल नंबर। जैसा कि जानते हो कि रियल नंबर वैसे नंबर्स को बोलते हैं जिनका एक अपना मीनिंग होता है, मतलब नंबर लाइन पर हम जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनके विषय में पता है कि वो किसके आगे होगा, किसके पीछे होगा, किससे बड़ा होगा, किससे छोटा होगा, ये सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। जैसा कि आप जानते हैं रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जैसे में 3/5, -2/3, 5, ये सब। जबकि जो इरेशनल नंबर है उनको अगर देखा जाए तो ये √2, √3 ये सब हो सकते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो भी नंबर है वो इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों रियल नंबर में आते हैं, क्योंकि इन दोनों को हम लोग एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि नॉन रियल नंबर वे होते हैं जिनका नंबर लाइन पर ना तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ना इसको हम लोग रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ये वैसे नंबर्स होते हैं जिनका वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं हो सका है। तो इस तरीका से नंबर्स को रियल और नॉन रियल में बांटते हैं। इसके बाद आता है इंटीजर्स। तो ये जो इंटीजर्स हैं ये एक कंप्लीट नंबर होते हैं, ये पूरा पूरी नंबर होते हैं, मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, बट्टा में नहीं हो सकते, ये डेसिमल में नहीं हो सकते, ये कंप्लीट नंबर होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 या 0, ये सब 2/5 ये इंटीजर नहीं, फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं इंटीजर्स को तीन भागों में यहाँ पर बांटा गया है। बिल्कुल जो बीच में होगा वो जीरो कहलाएगा, और जो जीरो से बड़ा होगा जैसे 1, 2, 3, 4 वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, और जो जीरो से छोटा होंगे जैसे -1, -2, -3 इसे हम लोग निगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। तो हम लोगों को पॉलिनोमियल को डिफाइन करने में दो चीज़ों पर ध्यान देना है, एक रियल नंबर पर ध्यान देना है, और रियल नंबर के साथ साथ ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन पर हम लोगों को ध्यान देना है। बस यही दो नंबर्स हैं, एक रियल नंबर पर ध्यान देना है, यानी ध्यान देना है कि कहीं नंबर नॉन रियल ना हो जाए, और ध्यान देना है कि कभी हमारा नंबर निगेटिव इंटीजर भी ना हो सके। तो हम लोग अब इसके डिफिनीशन को देखेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या होगा।